हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू मोटो व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं इंटरसेप्टर के स्पीडोमीटर का सेंसर बिठाने। बहुत दिन से काम पेंडिंग है, आज फाइनली अवेलेबल हो गया, तो मैं बोला आज बिठा ही लेते। अभी हम लोग निकले, पता नहीं पहुंचने कितना टाइम लगेगा, एंड अभी शायद एंगल आपको परफेक्ट आ रहा रहेगा। थोड़ा सा कल मैं फिट कर रहा था उसको, भाई इट्स आरी हेलमेट विद पूमा का लोगो, अब पूमा लिखा हुआ, इट्स ओके। अगर उधर ही फिटिंग होगी तो अच्छी बात है, अपना स्पीड होगी। मेन चीज़ क्या है, मैंने आरी के शोरूम में कॉल किया था, वो लोग उठाते नहीं है, मतलब इतना अच्छा सर्विस नहीं इनका, तो अभी मेरे को बाहर से कराना पड़ेगा सब चीज़ का। एंड इट्स ओके, बाहर से कराने के लिए मेरे को ऐसा इश्यूज़ नहीं है। आगे से ही चलते, आगे की साइड है ना वो। देखते क्या है, कितने का सेंसर आता है। ओरिजिनल सेंसर है, आरी का ही है, और फिटमेंट का उनका ही आदमी है, सो विल चेक इट आउट। बस अगर अभी फिटमेंट होगा ना भाई, मैं चिल्लू फिर वो मामले में, कि मेरे को कुछ अभी आगे आने की जरूरत है नहीं। एंड जिनके पास मैं जा रहा हूँ उनके पास आरी का सब ओरिजिनल स्टफ मिलता है, एज इन मतलब पूरा रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स। अगर मेरे को मेरे बाइक के लिए नया कलर का टैंक चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगा, मतलब वो लेवल का है। रॉयल एनफील्ड जेन्युइन पार्ट्स स्टोर है, और जिस रोड पे है वो रोड पे पूरा कार डेकोर स्टफ है, पूरा मतलब कार बाइक सब चीज़ का। साइड सर्कल के पास में हम हमको जाना है टूवर्ड्स द राइट साइड। आगे से उटन मारना पड़ेगा, ओ माय गॉड ब्रो, इसको कोई चीज की टेंशन नहीं, मालूम है क्या, बस गेट डाउन एंड डिसअपीयर। बट स्टिल लाइक सम अदर पीपल, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सुपर बाइकर्स। तो ठीक है, कभी हुआ तो नाम लेंगे वो ग्रुप का। यहाँ पे है, देखते कैसे बनते क्या। फाइनली लग गया इसका, मोस्टली ऐसा 10 मिनट का काम था, मतलब सेंसर लेके सब फिटमेंट करने का। चलो कोई वांधा नहीं, मेरे को लगा कि फिटिंग का 200-300 रुपए लगेगा, क्योंकि बाइक को पूरा खोलना पड़ता है, सब चीज़ें करनी पड़ती है। इन्होंने 50 लिया, एंड अभी मेन बात अपना स्पीडोमीटर चालू हो गया भाई,
बेस्ट पार्ट। अभी स्पीडोमीटर चालू, नाउ वी कैन रोल बैक। ये देखो अभी चल रहा है। और वो भाई ने बोला कि अपना इंटरसेप्टर्स में, मतलब 650s में मेजरली प्रॉब्लम आता है वो, क्योंकि घिस जाता है उसका सेंसर में कुछ, तो कॉइल है वो घिसते रहता है। बोलते हैं लोगों का तो 3-3 महीने में घिसता है, आपका तो भी ज़्यादा चल गया। अरे ठीक है चलो जो है वो, क्योंकि इसका और थंडरबर्ड में मेजर यही इशू आता है, मेजर नहीं है बट सेंसर घिस जाता है। तो ये सेंसर का एक बार हो गया अपना काम तो परफेक्ट हो गया। और वो भाई के पास अपने 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी तो भी उसने अपने को करके दिया। तो हाँ, सो 110 का ये था अपना सेंसर एंड 50 फीट में, मतलब टोटल में 1150 रुपये लगा। मोटा 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 स्टिल नॉट बैड, अफोर्डेबल है 5-6 के रॉयल एनफील्ड के। और प्लस कैसा ये अपना मैनुअल ही है ना, मतलब मैनुअल इन द सेंस अपना एनालॉग स्पीडो है ना इसका, डिजिटल नहीं है। अभी ठीक लग रहा है ना देखने को, तो फिर लगता था भाई कितना ये कि स्पीडोमीटर ही नहीं चल रहा गाड़ी का। चलो जो एक काम लास्ट बाकी था वो भी कर लिया मैंने, तो बाइक में कोई काम नहीं, बोला अभी चलेगा सेंसर, नया सेंसर बिठा लिए। आता आपल्याला काही टेंशन घ्यायची गरज नाही। थोड़ा लेफ्ट साइड पे चलना रहता है कि स्लो जा रहा है तू तो। ए, नासिक में ऐसे ही लोग हैं, स्लो जाने तो भी अपने को रोड के मीजो पीछे मीछे तो ना है। सर ये रोड सुधारो बे कोई। सो वी आर बैक अगेन ऑन द बाइक, अभी पहुंचना है जिम एज यूजुअल। सिग्नल छूटा में तो टाइम 7:18। जिम के लिए निकले, अभी देखते कितना टाइम हो रहा है। 7:18 हो रहे ना, विद इन 7 to 10 minutes के अंदर पहुंचना चाहिए। आज आवाज़ थोड़ी लो साउंड होगी। क्योंकि ट्रैफिक ने मूड खराब करके रखा है, और जगह जिधर जाओ उधर ट्रैफिक, उसमें रास्ते खराब। एंड आज क्या हुआ है, एक राइडिंग ग्रुप है नासिक में, उनको मैसेज डाला मैंने कि व्हाट्स द प्रोसीजर टू ज्वाइन द ग्रुप एंड ऑल। नहीं मतलब अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है,
भाई तो मेरे को ये नहीं पता था कि ये लोग बाइक्स में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, दैट वी ओनली अलाउ बाइक्स विच आर अबाउट 600 cc एंड सुपर बाइक्स ओनली। भाई जो आदमी ओन नहीं करता लाइक मेरे जैसा, अभी मेरे पास 650 cc इंटरसेप्टर है, सो इज इंटरसेप्टर 650 अ बैड बाइक? टेल मी वन थिंग। अभी नाम नहीं लूँगा, जब टाइम आएगा तब नाम लूँगा वो बाइक ग्रुप का, अभी नहीं लूँगा। बट ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत गलत है, ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा। तुम हार्लेस को अलाउड कर सकते हो 750s को, राइट, बट एक इंटरसेप्टर 650 टाइप बाइक की तुम अलाउ नहीं करोगे। RC 390 भी अलाउड है। मैंने और अगर देख रहा रहेगा कोई वो ग्रुप के, सुन लो, डिस्क्रिमिनेशन अच्छी चीज़ नहीं भाई मेरे, एंड आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन कि मैं गलत नहीं हूँ ये चीज़ पे बिल्कुल। नहीं है सुपर बाइक तो नहीं है भाई, बट डिस्क्रिमिनेशन लेवल बट बहुत टॉप पे इनका, मतलब सीधा वी ओनली अलाउ 600 cc एंड अबव बाइक्स, ये फलाना है ढिमकाना। तो फिर क्या होता है, बाइकिंग से ना आदमी का मन उठ जाता है, छोड़ो अपने हो गए, उनकी लाइफ है, अपन अपने अपने सोलो राइड एंजॉय करेंगे और फिर बाद में लिखते हैं एंजॉय राइडिंग, हैप्पी राइडिंग। देखो इसने ब्रेक लूज कर दिया मेरा, ब्रेक धीरे लग रहा है थोड़ा ना, बट देखते हैं अभी क्या। ये देखो ये ऐसे अच्छा मन रहते ना, हाँ तू भी कुछ ऐसी ट्रैफिक लग जाती है ना, फिर आदमी का मूड ऑफ होता है, और ऊपर से आज एक तो वो बाइक का ग्रुप ने मूड ऑफ करके रखा है, जान दो अपन उनके नाम में क्यों मूड ऑफ करें। They think that they are the only ones कि हम सुपर बाइक अलॉट करते हैं, ये करते वो करते, मत करो, मेरे को क्या करना है, सह लेंगे थोड़ा सा। चलो हर्ष चीयर अप ब्रो, होता है, अपन अपना ग्रुप बनाएंगे एट सम पॉइंट, some of them will, मतलब उनको भी कभी ज्वाइन करना रहेगा, मैं भी ऐसे जवाब दूंगा, let me do a lot your kind of bikes। मिनट में पहुंचे, स्लो एंड स्टेडी।
7:18 को अपन हम घर से निकले थे, 7:24 हो रहा है। क्या हाल है? मतलब ही नहीं होता कि मतलब ही होता कि तकलीफ़ ना डील करना होता। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय।